हेलो दोस्त, नमस्कार, स्वागत है आप सबका टॉप 10 क्लासेस की कन्वेंच में। और मैं आपका साइंस में मेंटर अनिकेत पाठक। आज आपको हम इस साइंस की दुनिया में कक्षा 7 की साइंस पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों। और कक्षा 7 की साइंस की क्या क्या पढ़ना है, यानी साइंस की कौन कौन से चैप्टर हैं, उन सब चैप्टरों का एक ओवरव्यू आपको लेके आए हैं प्यारे बच्चों। उसको आप देखिएगा और हर एक चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना क्या है, वो सब के बारे में जानकारी देंगे प्यारे बच्चों। और ये सब स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कक्षा 7 की विज्ञान में आपको पूरे 21 चैप्टर का अध्ययन करना है प्यारे बच्चों। तो कुछ 6 से रिलेटेड हैं, थोड़ा सा आपको बढ़ा के दे दिया गया है कि आप 7 की क्लास में हैं तो 6 से कुछ तो अंतर रहेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला है मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों कि मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में अध्ययन करना है प्यारे बच्चों। फिर दूसरा चैप्टर होता है रेशों से वस्त्र तक। तो रेशों से वस्त्र कैसे निर्माण होता है, एक रेशा मिला के, दो रेशा मिलाकर, तीन रेशे, कई रेशे मिलाकर जो है वस्त्र का निर्माण होता है, किस प्रकार होता है, कैसे कपड़े बनते हैं, जो हम लोग शर्ट पैंट टी शर्ट ये सब पहन रहे हैं, इन सब का निर्माण कैसे होता है प्यारे बच्चों, इन सब का जो अध्ययन है वो हम लोग दूसरे अध्याय में करेंगे प्यारे बच्चों। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। यानी पदार्थ तू जान लिए कि जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें भार होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं प्यारे बच्चों। अब बात आती है कि पदार्थ का संरचना कैसा होता है, पदार्थ दिखता कैसे होता है, पदार्थ कैसा होता है, पदार्थ कैसे बनता है, पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, इन सब का अध्ययन प्यारे बच्चों हम लोग किस में करेंगे, अध्याय 3 में करेंगे प्यारे बच्चों। चौथा चैप्टर क्या है, चौथा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। कैसे भौतिक परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है प्यारे बच्चों, उन सब का अध्ययन हम लोग आपके चौथे चैप्टर में करेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है प्यारे बच्चों, जिनकी भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, ऐसे परिवर्तन जो भौतिक गुणों में परिवर्तन करे वो हमारे क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कि उनके आकार में भी परिवर्तन हो जाए, उनके स्वाद में भी परिवर्तन हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इन सब का अध्ययन हम लोग चौथे चैप्टर में करेंगे। पाँचवा चैप्टर क्या है प्यारे बच्चों, उष्मा एवं ताप। उष्मा एवं ताप, उष्मा क्या होता है, ताप क्या होता है, मन में इच्छा उठी, उष्मा क्या है, ताप क्या है, तो इन सब का अध्ययन हम लोग अध्याय 5 में करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक का अध्ययन हम लोग अध्याय 5 में कर लेंगे प्यारे बच्चों। अध्याय 6 क्या है, पौधों में पोषण। यानी पौधों में पोषण कैसे होता है, एक पौधे से एक पौधों का विकास कैसे होता है, पौधों में भोजन कहाँ से मिलते हैं, पौधे सांस कैसे लेते हैं, इन सब की जानकारी हम लोग अध्याय 6 में करेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्या है, अध्याय 7 है जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन यानी जो जीव होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, वो जीवित कैसे रहते हैं प्यारे बच्चों, वो जल में या थल में या आपके वायु में वो सांस किस प्रकार लेते हैं, वो लोग श्वसन कैसे करते हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग 8 में करेंगे प्यारे बच्चों। अगला 9वां अध्याय क्या है, जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। यानी जंतुओं और पौधों में किस प्रकार परिवहन होता है, इन सब का अध्ययन हम लोग 9वें अध्याय में करेंगे प्यारे बच्चों। 10वां अध्याय क्या है, जीवों में उत्सर्जन। जीवों में उत्सर्जन, जीवों में उत्सर्जन कैसे होता है, किस प्रकार होता है, इन सब का अध्ययन जो है हम लोग अध्याय 10 में करेंगे प्यारे बच्चों। 11वां अध्याय क्या है, पौधों में जनन। यानी एक पौधे से दूसरे पौधों का निर्माण कैसे होता है, जैसे गेहूं जो होते हैं वो गेहूं जो है बीजों द्वारा जनन होते हैं, बीज बो दिए जाते हैं तो गेहूं जो है जाम होते हैं, तो जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि जिनके तने को काटकर उत्पन्न किया जाता है, जिनको तने काटकर आप लगा देते हो तो उनसे पेड़ का उत्पन्न हो जाता है, तो जो जीवों में जनन होता है, सॉरी जीवों में नहीं, पौधों में जो जनन होता है, एक पौधे से दूसरे पौधे का निर्माण कैसे होता है, इन सब का अध्ययन हम लोग 11वें अध्याय करेंगे। 12वां अध्याय क्या होता है, लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। ऐसे कुछ पौधे होते हैं जो लाभदायक होंगे, ऐसे कुछ पौधे होंगे जो हानिकारक होंगे, ऐसे कुछ जंतु भी होंगे जो लाभदायक होंगे और हानिकारक होंगे, तो उन सब का अध्ययन हम लोग 12 में करेंगे, अध्याय 12 में। 13वां क्या है, भोजन स्वास्थ्य एवं रोग।
यानी भोजन के बारे में पढ़ेंगे, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे और रोग के बारे में पढ़ेंगे। रोग क्या है, भोजन क्या है, स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य बिगड़ने से क्या होता है, तो ये सब का अध्ययन हम लोग 13वें अध्याय में करेंगे। 14वां अध्याय है ध्वनि, ध्वनि के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हम लोग बोल रहे हैं, जो हमारे कानों को सुनाई पड़ती है, वो हमारी वो क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। उसका अध्ययन 14वें अध्याय में करेंगे डियर स्टूडेंट। अब 15वां अध्याय है ऊर्जा। ऊर्जा तो सब जानते होंगे प्यारे बच्चों, कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, वो आपकी क्या कहलाती, ऊर्जा कहलाती है। ये ऊर्जा के बारे में 15वें अध्याय पढ़ेंगे। प्रकाश, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश कैसा दिखाई पड़ता है, प्रकाश को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, तो इन सब का अध्ययन हम लोग 16वें अध्याय में करेंगे। 17वां अध्याय होता है बल एवं यंत्र। बल, किसी को ढकेलना, किसी को खींचना, किसी को उठा के फेंकना, खींचने का प्रयास करना, क्या कहलाता है, बल कहलाता है। अब बल, अब बल पढ़ेंगे और यंत्र पढ़ेंगे। बल लगाने, बल पर आधारित जो यंत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 18वां है स्थिर विद्युत, विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। ये जो लाइट है, जो आपके जो पंखे चल रहे हैं, वो किसके कारण चल रहे हैं, विद्युत के कारण चल रहे हैं, तो इन सब का अध्ययन हम लोग 18वां अध्याय करेंगे। 19वां अध्याय जल है, 20वां अध्याय वायु है, तो जल और वायु के बारे में 19वें और 20वें अध्याय में करेंगे। जल भी हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है प्यारे बच्चों। और लास्ट आता है 21वां अध्याय कंप्यूटर, जो कि आज की दुनिया में कंप्यूटर जिनको नहीं आते प्यारे बच्चों, उनकी दुनिया पूरी वही है जैसे कि बिना आँख का कोई इंसान होता है, जैसे कि कोई अंधा व्यक्ति दुनिया का मजा नहीं ले सकता, उसी प्रकार कंप्यूटर भी जो है साइंस के दृष्टि से, आप लोगों के लाइफ के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका अध्ययन हम लोग 21वें अध्याय में करेंगे प्यारे बच्चों। इस प्रकार आपका जो सिलेबस था वो आपको कम्प्लीटली, आपको 21 चैप्टर पढ़ने हैं। हर एक चैप्टर के बारे में हमने बता दिया है प्यारे बच्चों। और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। वीडियो पसंद आया होगा प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा प्यारे बच्चों। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू प्यारे बच्चों।